हेलो एवरीवन, दिस इज AK22। आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट 1.16 प्री की एक मिनी सीरीज में, क्योंकि 1.16 आने वाला है और स्नैपशॉट इसके बंद हो गए हैं। प्री रिलीज 2 भी आ गया है और तो मैंने वही सोचा कि क्यों ना हम इससे थोड़ा फेमिलियर हो जाएं अच्छे से। तो मैं एक शॉर्ट सीरीज़ बनाने वाला हूं, क्योंकि जल्दी 1.16 लॉन्च हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि जुलाई या अगस्त में हो जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई या अगस्त में इसका फाइनल रिलीज़ हो जाना चाहिए, हो सकता है उसके पहले भी हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं इसने ये शॉर्ट सीरीज़ स्टार्ट करी है, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी और ज़्यादा एपिसोड्स नहीं रहेंगे। हम पूरा खेलेंगे, जो जो जितने भी नए बायोम से डिस्कवर करेंगे, जितने नए ब्लॉक्स हैं, क्या मैकेनिक्स हैं, सब देखेंगे, ठीक है, और लास्ट में एंड करेंगे। होपफुली अगर उसके पहले आ जाती तो फिर हम जल्दी फटाफट करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स सी, चलो स्टार्ट करते हैं। सिंगल प्लेयर वर्ल्ड हम जाएंगे, हमारा एक रैंडम क्रिएट न्यू वर्ल्ड, इसको मैं नाम दूंगा AK प्री इट इज सर्वाइवल है। देखो इतनी सारी चीज़ें अब इसमें आ गई है। गेम रूल आप चेंज कर सकते हो, डाटा पैक्स का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, आप सीधे डाटा पैक्स फोल्डर में जाते हो यहाँ से, ठीक है। तो अभी इसके कोई डाटा पैक्स आए नहीं है, इसलिए नॉर्मल डिफ़िकल्टी हम किस पे खेले, हार्ड पे खेले क्या? यस, हार्ड इट इज, हार्ड पे खेलूँगा मैं, क्योंकि हार्ड पे ही मज़ा आता है। सर्वाइवल है, चीट्स ऑफ रखे हैं, गेम रूल्स, डाटा पैक्स, मोर वर्ल्ड ऑप्शन, मैं पूरा एक रैंडम शीट में जा रहा हूँ। क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड, लेट्स डू दिस। और अभी जो है प्री वन में थोड़े बहुत क्रैशेस हुए थे, तो उन्होंने प्री टू निकाला है, जिसमें थोड़े उन्होंने वो चीज़ें जो क्रैश हो रही थी फिक्स कराए बहुत सारी। और मैंने खेल के देखा क्रिएटिव में जाके सब कुछ, कि लोडिंग टाइम कितना है, कौन से वर्ल्ड में कितना टाइम लग रहा है और वर्ल्ड जनरेशन में कितना टाइम है। ये 1.15 से बेटर है, पता है, जब 1.15 का जब स्नैपशॉट आया था, प्री आया था, उससे बहुत बेटर था ये। ओके ब्रोस्कीज, तो हम आए हैं, कहाँ पर हैं साला, मुझे ऑप्टिफाइन में सी जूम करने की आदत पड़ गई। ओके, तो हम हैं प्लेन्स कम फ्लावर बायोम कम माउंटेन बायोम कम ओशन। ओके, तो कहाँ पर बनाना चाहिए, मैं टॉप पर जाके देखता हूँ, उस तरफ जाके देखता हूँ कुछ मिलता है क्या। इससे पहले थोड़ा सा हम सामान इकट्ठा कर लें। देखो मेरा FPS भी मस्त आ रहा है, और जब 1.15 में जब भी लोड होते थे तो इतना लोड होने में मुझे पॉज करने में एस्केप मेन्यू में जाके थोड़ी देर रखना पड़ता था, या चॉपिंग द ट्री, और थोड़ी देर वेट करना पड़ता था जो चीज़ें लोड हो जाए, उसके बाद हम वेट करते थे उसका कि हाँ भाई लैग नहीं मारेगा। पर ये एकदम इम्प्रेसिव है, मुझे 1.15 से ज़्यादा कम लैगी है ये, ठीक है। पर अभी अब वो टेस्ट हो जाएगा, हम जब इसमें खेलेंगे तो हमको सब पता चल जाएगा कैसा चलता है गेम 1.16 में, और क्या नहीं कुछ बग्स मिलेंगे हमें इस सीरीज़ में, मज़ा आएगा, ठीक है। ओके, अगर आप भी खेल रहे हो मेरे साथ, व्हाट इज़ दैट साला, ये तो ह्यूमनॉइड स्ट्रक्चर दिख रहा है, कौन है वहाँ पर, छोकरे बाहर निकलो। ओके, तो ये आ गया है। अगर आप मेरी सीरीज़ फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो उनके लिए भी मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले आप ट्री तोड़ते हो, बड़ा से क्राफ्टिंग टेबल बनाओ, उसके बाद जैसे ही क्राफ्टिंग टेबल बन जाए थोड़ी सी और वुड लो, स्टिक्स लो, और फटाफट से जो भी आप ये चीज़ आपकी इस इन्वेंट्री में बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पर लगाओ, और 1, 2, 3 पिकैक्स, वुडन की एक्स, वुडन की शवल, ये बेसिक्स हो जाते हैं आपके। और ये आ गया हमारा क्या, एक्स, ये बेसिक चीज़ें हो गई है, ठीक है। और थोड़ी सी स्टिक्स ले लेता हूँ मैं, थोड़े से ये लॉग्स भी ले लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, फटाफट से इसको तोड़ो, अपना क्राफ्टिंग टेबल अपने साथ लेके घूमो। जैसे ही आप चीज़ें बनाते हो सबसे पहले एक्स लेके और वुड कलेक्ट कर लेना, ताकि आप फटाफट से नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ जा सको। फर्स्ट दिन का आपका यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप सबसे पहले एक घर बना सको, ठीक है। वी आर मेकिंग अ घर। ओके, ये टूटा, चलो ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से ऊपर चढ़ो, मैं थोड़े से और ट्रीज तोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको रात में क्या है, ज़ॉम्बीज निकल के बाहर आते हैं,
तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ज़ॉम्बीज़, क्रीपर्स, कैलीस, पर हम नहीं डरते, हम हार्ड में खेलते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि आप जब भी खेलो ना, इसे हार्ड में खेलो, नॉर्मल में खेलो गे तो मज़ा आता है। न्यू प्लेयर्स के लिए रिकमेंडेड है कि नॉर्मल में खेलें वो, पर अगर आप थोड़े से भी एवरेज प्लेयर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हार्ड में खेलो। हार्ड में आपका सर्वाइवल स्किल्स ज़्यादा रिफाइन होते हैं, ठीक है। फाइटिंग स्किल्स ज़ॉम्बी से आपको पता चलता है कि उनको कितना डैमेज देना है, और आप थोड़ा बच के खेलते हो उससे। तो हेलो मॉन्स्टर, रुको मैं देखता हूँ यहाँ पर, अगर ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी तो मुझे लग हो सकता है कि यहाँ पर एक ज़ॉम्बी स्पॉनर हो। वेट अ सेकंड, लेट्स चेक। मेरे को लग रहा है कोई ना कोई तो है यहाँ पर। ज़ॉम्बी स्पॉनर भी हो सकता है या तो सिर्फ एक बेसिक केव भी हो सकती है, यू डोंट नो। ओह हो, ये रही केव, कोल भी है नीचे। एक ज़ॉम्बी दिख रहा है मुझे, कैजुअल ज़ॉम्बीज हैं, इतना कोई खास नहीं है। चलो अभी यहाँ पर हमने कूदी मार ही दे दी है, तो मैं थोड़े से कॉबल स्टोन इकट्ठा कर लेता हूँ और हमारे टूल अपग्रेड कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़ आपको यही करनी चाहिए जब आप प्ले थ्रू करते हो माइनक्राफ्ट का, कि फटाफट से जितनी जल्दी आप आपके टूल्स अपग्रेड कर सकते हो उतनी जल्दी कर लो। ओह माय गॉड, लुक एट दैट, वी आर सो रिच, वी आर सो रिच। ब्रोव्स्कीस हो गया, ये हो गया, कितने आए, 7, नहीं और चाहिए मुझे। टोटल आपको टूल्स बनाने के लिए कितने चाहिए रहते हैं, 3, 6 प्लस, और एक मैंने शॉर्ट नहीं बनाई, मैं टूल्स की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट अभी हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं शॉर्ट को, क्योंकि मैं अपनी एक्स को ही एज अ वेपन यूज़ कर लेता हूँ। अगर आपको बनाना है न्यू प्लेयर्स को तो वो कर सकते हैं, ठीक है। 3, 3, 6 प्लस 2, मैंने 2 एक्स बनाई है क्या? यप, तो आपके टूल्स मतलब कि 7 उसमें हो जाने चाहिए, और इतने में हमारी शॉर्ट भी बन जाएगी, इजी पीजी। अब मुझे यहाँ पर कोल मिल गया है तो मैं कोल का भी यूज करूँगा। ये छुटकू बाहर कहाँ से निकला, लगता है उधर से, इधर से कहीं तो एग्जिट है। वेल हेलो देयर, ओके चलो हमें यहाँ से मिल गया, केव हमारी बाहर ही, तो हम फटाफट से अपग्रेड करते हैं। स्वॉर्ड बनाओ, स्वॉर्ड को यहाँ लगाओ, देन उसके बाद बनाना है हमें पिकैक्स, ये आ गई पिकैक्स। इनको हम फायर के तरह यूज़ कर सकते हैं हमारे फर्नेस में, ओके। तो सब कुछ बना लो फटाफट से, सारे टूल अपग्रेड कर लो, यहाँ तक कि स्वॉर्ड भी। मैंने स्वॉर्ड नहीं बताई थी क्योंकि मैं स्वॉर्ड का यूज़ मेरे पिकैक्स को ही मैं वेपन की तरह यूज़ करता हूँ इसलिए, ठीक है। ये हो गया, देन क्या बचा है, अब एक्स बची है, ये आ गई हमारी एक्स, सारे हो गए। एक और चीज़ अगर आपको बनानी है तो वो है हो, वो आप फार्मिंग भी शुरू कर सकते हो इंस्टेंटली। हो के लिए भी 2 लगते हैं, ये आ गया हमारा हो, हमारे पास सीड है, ठीक है। ये हो गया, अब एक और चीज़ जो बच रही है वो है हमारा फर्नेस। तो आपको जहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो, फटाफट से सेटअप की तैयारी शुरू कर दो। गुड नाइट, ओके ये हो गया। जैसे यहाँ पर वाटर भी है तो हम मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं, यहाँ पर एक केव है, आपको इसको एक्सप्लोर करना है, ईजी पीजी क्लैप। ये हो गया, अब सीड आ गया है तो ओशन के पास जाओ, फ्लैट सरफेस देखो, थोड़ा सा ये हटाओ, यहाँ पे लाइन से ये खोदो, ताकि आपकी फर्स्ट डे आपको रात होने से पहले पहले ये सारी चीज़ें करके रखनी है, ठीक है। ये सर्वाइवल आपको बताता है, ठीक है, बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स, कि आप कितना फटाफट क्या क्या चीज़ें कर सकते हो सारी। मुझे इसलिए पता है वनीला में खेलने में मज़ा आता है, मुझे मॉडेड भी मज़ा आता है, पर इतना मज़ा मुझे जितना मज़ा मुझे वनीला में आता है, मतलब बेस गेम में आता है, उतना मुझे मॉडेड सीरीज़ में नहीं आता है। मॉडेड अच्छी रहती है थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए, पर वनीला की बात अलग है। इट्स गुड, अगर आपको थोड़ा सा डेकोरेशन भी करना है तो आप फ्लावर भी ले जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ईजी केक आपके ऊपर है, ओके। हमारे पास 14
सीड्स आ गए हैं, फटाफट से इन्हें लगाते जाओ। इसे कहते हैं फास्ट फार्मिंग, इजी फार्म। और देखो बराबर हमने इतना लगाए हैं, देखा, इसे कहते हैं प्रोनेस। आपको थोड़ा इसको फूल वूल लगाने ताकि यहाँ पर कोई आए ना देख के, ये लगा दो। ऐसा कुछ नहीं है, सब आ जाते हैं इधर घुस के। देखिए ये लग गया ताकि आपको दूर से दिख सके कि आपका फार्म किधर पे। ठीक है, ये हो गया है। अब मुझे भूख लग रही है तो हम थोड़ा सा शिकार करके आते हैं। अगर आपके पास खाना नहीं है तो आप रॉटन फ्लेश भी खा सकते हो, पर ये ध्यान रखना कि ये आपका हंगर बार नीचे करता है। आपकी HP रिस्टोर करनी है आपको फटाफट से, तो इसके लिए ये बहुत ईजी है, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं सारे बेसिक से जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी जो नए, अभी माइनक्राफ्ट काफ़ी ट्रेंड कर रहा है तो इसलिए बहुत सारे नए प्लेयर्स इसमें जुड़ रहे हैं। इसलिए मैं बेसिक चीज़ें भी दिखाता हूँ कि आप कैसे फर्स्ट, क्या क्या बेसिक चीज़ें रहती हैं, यही आपको फर्स्ट डे नाइट में सर्वाइव करने के लिए मदद करती है। ओके, ये हो गया। अब कोल निकालो यहाँ से, और ये आपको एक्सट्रीम माउंटेन्स है ना, ये भी पता चल जाता है। मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। अब एक और चीज़ सब पूछते हैं कि आप, आपका जो स्क्रीन है ये वाली जहाँ पर आप सब कुछ चीज़ें देखते हो कि कौन सा बायोम है, क्या कोऑर्डिनेट्स है, तो वो उसका बटन है F3। ठीक है, F3 है। हम अभी माइनक्राफ्ट क्या माउंटेन बायोम्स में हैं। माउंटेन बायोम्स में आपको अगर केव में जाने से डर लगता है तो माउंटेन बायोम अगर आपके आसपास है तो उस पर ज़रूर जाना। एक्सट्रीम हिल्स माउंटेन्स पर आपको ऊपर ही कोल मिल जाएगा, हो सकता है आपको आयन भी मिल जाए। आयन शायद नहीं मिलेगा इतना, पर कोल आपको आसानी से मिल जाता है यहाँ पर ऊपर, आपको केव में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पर भी कितना सारा है। देन ओहो उधर शीप है। तो एक और चीज़, अभी रात कहाँ गया, सूरज हो नीचे जा रहा है, शीप ढूंढ लो। ठीक है, 3 शीप है, काम हो जाएगा हमारा। क्रस्ट, नाइस, 3 आ गए, गुड जॉब। अब या तो आप आपके, इसको मैं नहीं मारूंगा क्योंकि हमारे पास अभी वूल, एक ही शीप दिख रही है। हो सकता है मैं अपना वो बना लूँ नेक्स्ट, कल सुबह शेयर बना ले तो हम फटाफट से इसको शेयर कर लेंगे। इसलिए एक शीप को मैंने रखा हुआ है, इसका रैंडम रहता है, ये ज़्यादा वूल भी दे सकती है, कम वूल भी दे सकती है, इसलिए मैंने 3 को मारा। अगर मुझे 3 मिल जाता है तो मैं छोड़ देता हूँ उनको। चलो, हमारे पास खाना आ गया है, बेड आ गया है, और कोल भी हमारे पास आ गया है। हमारा स्टोन टूल्स बन गए हैं, और हमारी बेस कहाँ है, वो रही वहाँ पे, वही है ना, राइट। वो वेट 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 वेट, मैं इधर से कोल निकाल रहा था ना, तो मैं उधर से आया हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप आपका बेस का रास्ता भूल गए हो तो एक डिग, होल डिग कर लो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि आपके पास सामान होना चाहिए पूरा, और मॉन्स्टर स्पॉन होने लग जाते हैं आसपास, इससे पहले सो जाना। कहीं भी घूम रहे हो तो सबसे पहले एक डिग, होल डिग करो। वो देखो स्पॉन हो गए वहाँ पर, हम हमारी जगह पे वापस तो आ गए हैं। मुझे फटाफट से बेड बनाना है इससे पहले कि कोई मेरे पास आए। ओके, इसमें डालो ये डालो, क्राफ्टिंग टेबल में जाओ, फटाफट से बेड बनाओ। जिस कलर का आप बेड बनाते हो, ओ विलेजर, ओ माय गॉड, ये कैसे आया, इसको तो हम कैद करेंगे। अब देखते हैं ये उठाता है क्या, तो इसका डिस्पॉन ख़त्म हो जाएगा, देखते हैं उठाता है क्या। उठा ले रे बाबा, उठा ले, कुछ तो उठा ले। ये बेड यहाँ लगा देता हूँ मैं, नहीं उठाया, नहीं उठाने का है तुमका, नाइस नाइस एंड ईजी। अब इससे पहले कि इसके दोस्त बाहर आएँ, मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें डर्ट फेंक देता हूँ। क्या उठाएगा ये, क्या तुम उठाओगे, घूचू कहीं कि अभी मेरे पास नेम टैग नहीं है, क्या करना है, सोच देते हैं। फिर भी मैं इसको डिग कर देता हूँ ताकि ये मरे ना। स्वीट ड्रीम्स, अगर आपके पास नेम टैग है पर उसके लिए एनविल चाहिए रहे तो वो तो उस गधे ने उठा लिया, पर इसने उठाया नहीं है। ऐसा अगर कोई आपका जॉम्बी विलेजर जॉम्बी आपको उठा सकता है तो उठा लेता है कुछ भी सामान, तो उसके वो डिस्पॉन नहीं होता फिर। ठीक है, अब हमारा खाना पक गया होगा सुबह तक, नाइस। हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है यहाँ पर तो खाना हम ही को पकाना पड़ता है। अभी हमको हमारी गर्लफ्रेंड ढूंढनी है यहाँ पे। ओके, वहाँ पर एक क्रीपर, क्रीपी है, क्रीपी क्रीपर, ओ मैन।
ओके, ये हो गया। थोड़ा सा मैं रॉ मटन भी मिला था, वो भी पका रहा हूँ मैं। हमारे हेल्थफुल है, वी सर्वाइव द नाइट। यस बॉयज एंड गर्ल्स, सो दैट्स हाउ यू सर्वाइव फर्स्ट नाइट। ईजी पीजी ऐसा करना रहता है, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। कंसंट्रेट करो, सीधे जाओ, वुड लो और सब कुछ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और बस खाना आ गया है, कूल आ गया, हम टॉर्चेस बना सकते हैं, बेड आ गया है, बेड लग गया है हमारा। अब बस हमको हमारा नेक्स्ट डे जो रहता है वो आपका रखो कि अगर आपको रात में नहीं मिलता है खाना, आपको बाहर आपको ढूंढते ढूंढते कुछ ज़्यादा रात हो गई है, तो माइनिंग शुरू कर दो फटाफट से, आयन लो, आयन अपग्रेड करो। सबसे पहले मेन चीज़ एक बकेट बनाओ, ठीक है। बकेट इसलिए बनाना रहता है क्योंकि बकेट से आप फायर। हेलो मिस्टर, मिस्टर ज़ॉम्बी। ओके, तो ऐसे आप, वाओ, मुझे आउटर नहीं करने देंगे लगता है आज। ड्यूड्स एंड ड्यूडेट्स, चिल द एफ आउट। ओके ओके, लेट्स गो अगेन, शैल वी। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि आयन का कैसे यूज़ करना है फटाफट से सेकंड डे में। मैं इसको यहीं पर बंद करूंगा, फिर वहां से वापस से स्टार्ट करेंगे हम सेकंड डे से, कि आपको सेकंड डे में क्या करना रहता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिसोर्स गैदरिंग के लिए और कैसे आप आपके रिसोर्स बचा सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में माइनक्राफ्ट 1.16 प्री के। ये शॉर्ट सीरीज़ रहने वाली है, हम फटाफट से देखेंगे, बेसिक सीखेंगे कैसे आप एक प्रो बन सकते हो माइनक्राफ्ट में हमारे साथ। तो सी ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाना। मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ ट्विच रियो टीवी, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ट्विच रियो टीवी और मेरा नया चैनल है 1 in 22 इज़ लाइफ, उस पर भी मैं लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ, मेनली मैंने लाइव स्ट्रीम्स के लिए बनाया। इसलिए सी ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।